बार फिर आई बीजेपी की नीच हरकत सामने। क्या मोदी मोदी के नारे से सच्चाई छुप जाएगी? किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी काली स्याही। राकेश टिकैत के साथ मारपीट का वीडियो भी आया सामने। किसान नेता राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकी गई है। ये घटना उस समय हुई जब वह बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हालांकि स्याही फेंकने वाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राकेश टिकैत ने इस घटना के पीछे सरकार की मिलीभगत बताई है और कर्नाटक पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होनी चाहिए, लेकिन यहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। राकेश टिकैत के अलावा आरोपियों ने युद्धवीर सिंह पर भी काली स्याही फेंकी है। ये घटना उस समय हुई जब टिकैत पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और स्याही फेंक दी। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी ये तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंपरमाइज नहीं है। ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम। सत्ता पक्ष द्वारा देश में लगातार डर का माहौल बनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तो कभी हिजाब और शिवलिंग के नाम पर देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। यूं तो भाजपा लगातार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना सजोए रहती है, लेकिन राकेश टिकैत के साथ हुई इस शर्मनाक हरकत से भाजपा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या राकेश टिकैत हिंदू नहीं है? इस वक्त का यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार से सवाल करना देशद्रोह है, जो लगातार देश भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसानों, बेरोजगारों व छोटे व मध्यम व्यापारियों के साथ सरकार लगातार जानलेवा हमले करवाने से भी नहीं चूक रही है? इस प्रकार की हरकत एक लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक तो है ही, साथ ही ये देश की जनता को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस नफरत की राजनीति का अंत कब होगा। फिलहाल राकेश टिकैत पर हुई इस हरकत पर आप क्या समझते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।